नमस्कार, सत श्री अकाल, चाओ। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका रोमांस भरा स्वागत करता हूं इटली की सिटी वेनिस से, जो कि पूरी रोमांस से भरी हुई है। और मैं आपको वेनिस में दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जो अगर आप वेनिस में आते हैं तो आपको देखना जरूर बनता है। तो मेरे साथ देखो वेनिस, द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। मैं और रितु सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली में हमने करीबन 8 से 9 घंटे का ब्रेक लिया, होटल में रुक गए ताकि थके नहीं। हमारी सुबह 3:50 की फ्लाइट थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 से रोम के लिए। तो हमने रोम की फ्लाइट एयर इटालिया ली थी, तो वहाँ से हम करीबन 8-8.5 घंटे की फ्लाइट लेके रोम पहुँचे। और रोम पहुँचने के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट 5 घंटे के बाद थी वेनिस के लिए। तो हम वेनिस पहुंच गए। वेनिस के एयरपोर्ट का नाम है मार्को पोलो, और इस मार्को पोलो एयरपोर्ट से आपको वेनिस सिटी में जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप इनकी वाटर टैक्सी ले सकते हैं अली लगुना, जो कि 15 यूरो वन साइड का चार्ज करती है और आने जाने का 27 यूरो चार्ज करती है। और अगर आपको प्राइवेट टैक्सी लेके जाना है तो 4 पीपल तक प्राइवेट टैक्सी में लेके जाते हैं और उसके चार्जेस है 150 यूरो। हम अली लगुना में जाने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं पूरा वेनिस का एरिया आसपास का, इसलिए हमने अली लगुना पसंद की है और वो काफी सस्ती भी पड़ती है। तो चलो मेरे साथ वेनिस सिटी में। और वेनिस जहाँ पे इसके स्टेशन हैं, कुछ इनके डिफाइंड स्टेशन है, वहां पे रुकती है ये, और वहां से आप अपने होटल्स की ओर जा सकते हैं। हम चल पड़े हैं अली लगुना वाटर टैक्सी में वेनिस सिटी की ओर। इटालियन पीपल इस सिटी को वेनेजिया भी बोलते हैं। अली लगुना वाटर टैक्सी आपको मार्को पोलो एयरपोर्ट से वेनिस सिटी के डिस्टाइन स्टेशन तक ले जाती है और वाइस वर्सा। और इन एंड अराउंड वेनिस सिटी में अगर आपको घूमना है या आसपास के आइलैंड्स जैसे कि बुरानो मुरानो पर जाना है, तो आपको वेपरेटो, या तो जिसे आप वाटर टैक्सी या वाटर बस भी बोल सकते हो, वेपरेटो ऑपरेट की जाती है ACTV द्वारा, जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वेनिस के अंडर आती है। मैं नीचे वेबसाइट का नाम डिस्प्ले कर रहा हूं, जहां से आप वेपरेटो की ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। वेपरेटो की वन वे फॉर 75 मिनट्स की 9.5 यूरो पर पर्सन से लेके 7 डेज 65 यूरो पर पर्सन तक की टिकट्स अवेलेबल हैं। वेनिस सिटी में काफी सारी कैनाल्स और उन पर ब्रिजेस हैं जिन पे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बहुत कम ब्रिजेस व्हीलचेयर फ्रेंडली हैं। और वेनिस सिटी में ना ही कार्स हैं, ना तो टैक्सीज अलाउड हैं, और ना ही और कोई व्हीकल्स वेनिस सिटी में अलाउड है। इसलिए वेनिस सिटी को एक्सप्लोर करने के मात्र 3 ही तरीके हैं। पहला, पैदल चलकर, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वेनिस सिटी की फील लेने के लिए। दूसरा, वेपोरेटो, और तीसरा प्राइवेट टैक्सी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इन शॉर्ट, वेनिस सिटी पूरी तरह से व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है या आप एस्थमेटिक हैं, तो आपको वेनिस सिटी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी डेली मेडिसिंस का कोटा अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत कम मेडिकल स्टोर्स हैं वेनिस सिटी में और उन्हें ढूंढना मुश्किल है, और आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों, मैं आपको वेनिस सिटी के कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वेनिस सिटी इटली का एक ऐसा शहर है जिसे सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, और इसके अंदर 177 कैनाल्स हैं, छोटी बड़ी मिला के सब। और सबसे बड़ी कैनाल का नाम है ग्रैंड कैनाल, जो कि एस शेप में है, और वो 2 हिस्सों में बांटती है वेनिस सिटी को। 417 ब्रिजेस हैं,
छोटे बड़े जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको सहाय करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे छोटी बड़ी कैनाल्स हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए आपको ब्रिजेस की जरूरत पड़ती है। और वेनिस सिटी की पॉपुलेशन घटते हुए 50,000 तक पहुंच गई है, और ऐसा कहा जाता है कि साल 2030 तक ये सिटी गोस्ट सिटी बन जाएगा, सिर्फ टूरिस्ट सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। और दूसरी एक चीज, वेनिस सिटी सिंक हो रही है 1 से 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष। तो चलो देखते हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका। तो ये बाहर से खूबसूरत नजारा, बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। वेनिस में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सेंट मार्क्स बेसिलिका, जो कि सेंट मार्क्स स्क्वायर में ही स्थित है। तो चलते हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका के अंदर। सेंट मार्क्स बेसिलिका के बिल्कुल अंदर अल्टर तक आपको आना चाहिए, भले आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़े। और जो मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे है सेंट मार्क्स की टॉम, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नज़ारा एकदम ब्यूटीफुल है। पेंटिंग्स और अल्टर से लेके एवरीथिंग वाव है, आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और मैं बिल्कुल अंदर तक आ गया हूँ। सेंट मार्क्स बेसिलिका की एंट्री टिकट है, अगर आप क्यू में खड़े रहते हैं तो 3 यूरो। और बिल्कुल अल्टर के पास आना है और आपको सेंट मार्क्स की टॉम तक जाना है तो उसके 5 यूरो अलग से देने होंगे। तो मैं बिल्कुल अल्टर पे आ गया हूँ। और यहाँ पे है सेंट मार्क्स की टॉम। ये अल्टर के नीचे है, बहुत ही सुंदर कार्विंग की हुई है। ये अल्टर के पीछे है। ये है सेंट मार्क्स बेसिलिका का फेमस हाईली ऑर्नेटेड पाला द ओरो, जिसका मतलब होता है गोल्डन पैनल। इस गोल्डन ऑल्टर पीस में जड़े हुए हैं 1300 पर्ल्स, 300 एमेरल्ड्स, 300 सेफायर्स, 400 गार्नेट्स, 100 एमेथिस्ट्स, रूबीज एंड टॉपाजेस। पाला द ओरो आगे और पीछे दोनों तरफ डेकोरेटेड है और पूरे विश्व में फेमस है एज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एंड एकम्प्लिश्ड वर्क्स ऑफ बाइजेंटाइन एनामल। दूसरे एंगल से भी सेंट मार्क्स की टॉम देख लीजिए। और बिल्कुल यहीं पे होती है कॉन्ग्रीगेशन, जब भी कोई भी मास होता है तो आप आगे बैठ सकते हैं। अति सुंदर। क्रिश्चियनिटी में एक प्रथा होती है कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कन्फेशन प्रीस्ट के सामने, चर्च के प्रीस्ट के सामने कर सकता है, तो वो ये जगह है।
वेनिस में अगर आते हैं आपको यहाँ पे आके देखना है वो है ये मार्क स्क्वायर, जिसे सेंट मार्क स्क्वायर भी बोलते हैं, और जो पीछे आपको दिख रहा है वो सेंट मार्क बेसिलिका है, और साथ में है बेल टावर जिसके ऊपर भी जाया जा सकता है। ऊपर जाने की आपको टिकट लगेगी, एलिवेटर में जा सकते हैं, और ये हाईएस्ट बिल्डिंग है वेनिस की, और ऊपर से जो व्यू आता है वो एक्सीलेंट है, ऐसा लोगों ने बोला है, मैं भी जाके देखने वाला हूँ। और ये पूरा स्क्वायर बहुत ही ऐतिहासिक है, आपको आदमियों से ज़्यादा यहाँ पे कबूतर दिखेंगे। चेतावनी, अपने पर्स को संभालें और अपने पॉकेट्स को भी संभालें। मैं आपको धीरे से पूरा राउंड दे रहा हूँ सेंट मार्क स्क्वायर का। शुरू करते हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका से, बेल टावर और आसपास की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। यहां पे लोग लुत्फ उठा रहे हैं ऊपर से बेल टावर के ऊपर चढ़ के। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये डॉजेस पैलेस है। मैं आपको दिखा रहा हूं डॉजेस पैलेस, हमने इसकी 30 यूरो की टिकट ली है, और अगर आप ऑनलाइन बुक करवाते हैं तो 5% डिस्काउंट मिल जाता है। ये वन ऑफ द प्लेसेस टू विजिट है वेनिस में। डॉजेस पैलेस में एक ओरिजिनल गंडोला पड़ा है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं, आप उसका कार्विंग देखिए। और पहले के जो गंडोलास होते थे तो जो कस्टमर्स थे वो यहां पे अंदर कवर्ड पार्ट में बैठा करते थे, और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम डॉजेस पैलेस के अंदर हैं, और ये सब जो येलो में दिख रहा है वो गोल्ड प्लेटेड है, और अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल चेंबर्स में। ये पूरी छत का नजारा है। मेरे YouTube चैनल KD बजाज फिल्म्स को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके।
इस रूम में शोकेस की गई हैं गन्स, तो अलग अलग तरह की गन्स देखे, पुराने जमाने में किस तरह की गन्स होती थी। कितनी बार मुश्किल हो जाता है व्लॉग लेना, लोग देख रहे होते हैं, उनको हटाना मुश्किल होता है और उनको हटाना भी नहीं चाहिए, वो भी हमारी तरह देखने आए होते हैं। ये एक पुरानी कैनन पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू आता है वो है एक लाइब्रेरी, जो तीन पुरानी लाइब्रेरी गिनी जाती थी यूरोप की, उसमें से एक ये है। एक और आर्मरी का शोकेस, उसमें मशीन गन पुरानी रखी हुई है। साला दिल मेक्योर कंसाइलियो, या तो जिसे बोलते हैं द चेंबर ऑफ ग्रेट काउंसिल, ये सबसे बड़ा चेंबर है और मोस्ट मेजेस्टिक चेंबर है डॉजेस पैलेस का। चलो देखते हैं। वाकई में बहुत ही मेजेस्टिक सीलिंग बनी हुई है। एक और रूम है, पेंटिंग्स काफी बढ़िया बढ़िया की हुई हैं। अर्ली ईयर्स की अभी तक पेंटिंग्स इसके दिख रही है। ये रास्ता जाता है ब्रिज ऑफ साइज, यानी कि ये जिसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूं अभी वो ब्रिज ऑफ साइज है। दो विंडोज हैं यहाँ पे, एक और वहां पे ये है दूसरी। प्रिजनर्स को लास्ट बार दुनिया के दर्शन इन्हीं विंडो से हुआ करते थे, उसके बाद प्रिजनर्स को उनका सेंटेंस पूरा करने तक प्रिजन में रहना होता था और कोई आदमी उनको दुनिया का नहीं दिखता था बाहर का, तो इसीलिए इसे ब्रिज ऑफ साइज कहते हैं। और पूरे ब्रिज की अगर आपको फोटोग्राफ लेनी है तो ऑपोजिट साइड में एक ब्रिज है छोटा सा, वहाँ से इस ब्रिज ऑफ साइज को आप देख सकते हैं। ये अंदर से मैं आपको ब्रिज ऑफ साइज दिखा रहा हूं, जो कि बहुत ही मॉन्यूमेंटल है वेनिस के लिए। हर एक बंदा जो वेनिस में आता है वो ब्रिज ऑफ साइज अंदर से नहीं तो बाहर से जरूर देखता है। तो कुछ इस तरह से लगता है ब्रिज ऑफ साइज। जो दो विंडो की बात कर रहा था मैं, ये दो विंडोज हैं और नीचे कैनाल है। ये पुरानी प्रिजन के बार्स हैं, इतने मोटे मोटे हैं, आप समझ सकते हैं कितनी मोटी रॉड्स हैं ये। प्रिजनर्स को सेल में भेजने के लिए छोटे से दरवाजे रहते थे जिसको बार से इस तरह से बंद कर दिया जाता था, और अगर प्रिजनर्स के साथ कोई बात करनी है या हवा उनको आने जाने का रास्ता ये रहता था। तो ये है ब्रिजेस ऑफ साइज,
जिसकी दो विंडो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी, डॉजेस पैलेस के अंदर से। बहुत ही मॉन्यूमेंटल जगह है यहाँ की, और ये है कैनाल। तो ये बेल टावर है जिसके ऊपर चढ़ने की टिकट है 10 यूरो पर पर्सन, और ये है जगह जहाँ से अंदर जाया जा सकता है। आपको अपनी टिकट यहाँ पे स्कैन करनी है, और ये दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर, और ये है लिफ्ट जो आपको लेके जाएगी ऊपर बेल टावर पे वेनिस का ब्यूटीफुल व्यू दिखाने के लिए। बेल टावर तो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा ही, लेकिन अगर आपने मेरा YouTube चैनल KD बजाज फिल्म्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। लिफ्ट के ऊपर से आया जाता है बेल टावर के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह की छोटी बड़ी 5 बेल्स हैं, और प्री एस्टेब्लिश टाइम्स पे ही इनको रिंग किया जाता है। और ये अगर बेल का मैकेनिज्म बिगड़ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये स्पाइरल सीढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बेल है ये। वेनिस के बेल टावर पे जहाँ से आप पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं पूरी वेनिस सिटी का। नीचे जो आपको दिख रहा है वो सेंट मार्क्स स्क्वायर है, सेंट मार्क्स स्क्वायर का बर्ड्स आई व्यू। और ये है गुडेका आइलैंड। और ये सेंट मार्क्स बेसिलिका, और ये पूरी सिटी वेनिस की अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत। आप घंटों समय यहाँ बिता सकते हैं इस सिटी को देखने के लिए, अद्भुत नज़ारा है। यूरोप की 3 मेजर लाइब्रेरी थी, उसमें से एक ये है बिब्लियोटेका डेला जो सी के अंदर है। बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है बाहर से दिख रही है। अब एक और व्यू अलग एंगल से। बेल टावर के ऊपर से सेंट मार्क्स बेसिलिका, ये डॉजेस पैलेस है, और ये पोर्ट एरिया है वेनिस का। रात का व्यू देखिए, बेल टावर और सेंट मार्क्स बेसिलिका। ये सेंट मार्क्स स्क्वायर का अलग हिस्सा है, और ये है डॉजेस पैलेस, और यहाँ पे आगे से चलती हैं फेरीज। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे है काफी बड़ा रेस्टोरेंट। सेंट मार्क स्क्वायर का गंडोला स्टेशन, काफी बड़ा स्क्वायर और काफी सारे गंडोला यहां पे खड़े हैं राइड्स देने के लिए। मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो है रियाल्टो ब्रिज, जिसको 1173 AD में बनाया गया था। वो वेनिस की ग्रैंड कैनाल के ऊपर सबसे पुराना ब्रिज है, और 1173 के बाद इसको काफी बार रीबिल्ट भी किया गया है। बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है। आसपास काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं,
चलते हैं रियाल्टो ब्रिज के ऊपर। रियाल्टो ब्रिज पे चढ़ती हुई रितु और मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूं रियाल्टो ब्रिज से। ये ग्रैंड कनाल है, बहुत ही सुंदर नजारा। मैंने पहले भी बताया जर्रे जर्रे में रोमांस भरा हुआ है वेनिस पे। ब्रिज के ऊपर ही आपको मार्केट मिल जाएगी, सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे, ज्वेलरी। और ये दूसरा पार्ट है उतरने का रियाल्टो ब्रिज का, आसपास में मार्केट। हम यहां से नीचे उतरेंगे और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा पार्ट वेनिस की ग्रैंड कनाल के ऊपर रियाल्टो ब्रिज का, जो कि थोड़ा खाली है, तो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इस तरफ आना चाहिए। रियाल्टो ब्रिज को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन सीढ़ियां हैं। ये बीच वाली सीढ़ी से मैं नीचे उतर रहा हूं और आसपास में है मार्केट, तो अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करना चाहें तो कुछ समय लेके आप जरूर यहां पे आइएगा। अपने पॉकेट्स का ख्याल रखिए, टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहां आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, इसका आप ध्यान रखें। तो ये रियाल्टो ब्रिज के नीचे उतरते ही छोटी सी मार्केट है और काफ़ी सारे सोवेनियर्स, खाने की छोटी छोटी शॉप्स हैं। और यहाँ पे आपको मुरानो के ग्लासेस की एक शॉप मिल जाएगी और यहाँ से आप ब्रिज के नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। रियाल्टो मार्केटो वेनिस की बहुत ही पुरानी मार्केट है, जहाँ पे बेसिकली फिश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये रियाल्टो ब्रिज से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है और ग्रैंड कैनाल पे पड़ती है। इसको 1097 एडी में बनाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की रियाल्टो मार्केटो। पहले हम देखते हैं फिश मार्केट, तो यहाँ पे है कालामारी। क्रैब्स, Which is this fish? Tuna. Tuna का आपने नाम सुना होगा, तो ये है असली टूना। ऑक्टोपस। एंड विच इज दिस फिश? रोम्बो। रोम्बो, तो ये रोम्बो फिश है। What is this? Canoche. Canoche. Okay. तो ये है सार्डिन, जिसको साफ करके खोल के यहाँ पे रखा गया है। तो चलो आगे देखते हैं। और ये है बेबी शार्क। और ये मार्केट खुली रहती है सुबह 7 से दोपहर को 1 बजे तक। तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो उस तरह से आप प्लानिंग कीजिएगा, 7 से 1 बजे दोपहर तक। रियाल्टो मार्केटो का फ्रूट एंड वेजिटेबल पार्ट दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखिए कितनी वैरायटी है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। और ये देखिए, ये है छोटी सी मिर्ची, बहुत ही तीखी।
और आगे फिर से यहाँ के इनकी फिश मार्केट शुरू हो जाती है। तो कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है, मगर हाँ एक तरफ पे आपको फिश मिल जाएंगी, सी फूड, और एक तरफ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस। ये चिलीज यहाँ पे जनरली पिज्जा के ऊपर रख के सर्व की जाती हैं, तो यहाँ पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये अलग अलग स्पाइसेस पिज्जा और जो भी इनकी इटालियन डिशेज हैं उसमें ये काफी ज्यादा सर्व किए जाते हैं। मशरूम, और ये है ग्रैंड कैनाल, और इससे ही थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आपको रियाल्टो ब्रिज मिल जाएगा। रियाल्टो मार्केटो के पास एक रेस्टोरेंट छोटी सी स्ट्रीट में था, ऑस्टेरियो एस टोटी, तो उसमें हम लोग आए और छोटा सा रेस्टोरेंट बार के साथ, और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया। ये यहाँ की ओनर है और हमने यहाँ पे व्हाट इज दिस कॉल्ड, उसमें वेजिटेबल, मीट और फिश तीनों वैरायटी में चिकेटी मिलती है। मैंने जो ऑर्डर की है वो फिश है, तो ये बताएंगे ये कौन सी है। यस, ये टेल अस। ओके 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 एंड दिस इज ओके, थैंक यू सो मच। चलो मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकेटी। ओके, जो ऊपर है वो ब्रेड वाली है, उसे गर्म नहीं किया जा सकता। और नीचे है वो फ्राइड है, वो आप गर्म करके खा सकते हैं। और तीनों ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया, फिश, वेजिटेबल और मीट में उपलब्ध है। ये अंदर का डेकोर, बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट, और ये पुराना सीन रियाल्टो मार्केटो का। मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो है रियाल्टो ब्रिज, यहीं से आप गंडोला की राइड ले सकते हैं, और गंडोला राइड के चार्जेस है 90 यूरो, 1 से 5 जने तक बैठ सकता है। अगर आपको इवनिंग में गंडोला राइड लेनी है रात को 7 से 8 के बीच में, तो आपको 110 यूरो देने पड़ेंगे। तो ये देखिए रियाल्टो ब्रिज, गंडोला की राइड लेते हुए। रितु बड़े मजे से गंडोला राइड एंजॉय कर रही है। तो मैं एंजॉय कर रहा हूं रितु के साथ गंडोला राइड वेनिस में, और ये ग्रैंड कैनाल के अंदर चल रही है गंडोला। और गंडोला के मैंने चार्जेस पहले भी आपको बताए थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके 90 यूरो लगते हैं, 4 जनों तक आप बैठ सकते हैं, 30 मिनट्स तक ये राइड चलती है। अगर आपको 30 मिनट से ज़्यादा, 40 मिनट्स तक अगर आपको करनी है, तो ये लोग चार्ज करते हैं 110 यूरो। और अगर आपको इवनिंग में 7 to 8 में भी करना है अगर गंडोला राइड, तो उसके भी ये लोग 110 यूरो लेते हैं। और मेरी इस तरफ है रियाल्टो मार्केटो, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया है ये मार्केट। और जो ये मेरे पीछे है वो रियाल्टो ब्रिज है। और अगर आप वेनिस में आते हैं तो आपको गंडोला राइड जरूर करनी चाहिए, ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आपने अमिताभ और जीनत अमान का वो गाना जरूर सुना होगा, ला मोरे मियो, वो इसी जगह पे गंडोला राइड में ही वो शूट किया गया था। आप एक बार वो गाना देखेंगे तो आप उस चीज़ को रिकलेक्ट कर पाएंगे।
थिएट्रो दा फिनिची वेनिस का बहुत ही पुराना ओपेरा हाउस है। इसको पहली बार 1792 एडी में बनाया गया था। उसके बाद काफ़ी बार ये आग में ध्वस्त हो चुका है और दिसंबर 1996 में एक बार फिर से ये जल गया था, मगर उसको दोबारा 14 दिसंबर 2003 में पब्लिक के लिए खोल लिया गया था। अगर आप वेनिस में आते हैं तो यहाँ पे आना मत भूलें और इसका ओपेरा हाउस का अंदर से टूर लेना भी ना भूलें। 12 यूरो पर पर्सन की टिकट है और वो टिकट लेके आपको इस तरह का ऑडियो वॉइस गाइड आपको फ्री मिलेगा। हर एक पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट यहाँ पे आप दबाएं और आप उस चीज़ की हिस्ट्री जान सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये मस्ट विजिट प्लेस है। आइए देखिए थिएट्रो दा फिनिची। थिएट्रो ला फिनिची की ये स्टेयर्स हैं ओपेरा हाउस में जाने के लिए। यहाँ पे है ऑडियो बुक का काउंटर और यहाँ से मिल जाएंगी आपको टिकट्स। और ये है आपको अगर कुछ सोविनियर ले जाना है यहाँ से तो वो मिल जाएगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फॉयर में, तो बहुत ही सुंदर फॉयर। और ये जो पिलर्स देख रहे हैं, जो पहली बार इसको बनाया गया था थिएटर को और ओपेरा हाउस को, तब से यहाँ पे कायम है। और ऐसा कहा जाता है कि एलीट जेंट्री जब भी ओपेरा में जाती है उससे पहले यहाँ इकट्ठी होती है और इंटरवल्स में भी यहाँ पे इकट्ठी होती है, और उस दरमियान वॉर से लेके शादियाँ तक की गुत्थी यहीं पे सुलझाई जाती है। और यहाँ पे है कॉफ़ी शॉप और बार, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक्स और बिफोर गोइंग टू द ओपेरा। ग्रांड थिएट्रो ला फिनिची में एक छोटा सा हॉल है जिसका नाम है साले एपोलिनी। मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आज भी यहाँ पे छोटे कंसर्ट या कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। इस पार्ट में वीडियोग्राफी अलाउड थी इसलिए मैं आपको ये हॉल दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा पियानो, इतना बड़ा पियानो मैंने देखा नहीं है। और ये स्टेज है जहाँ पे छोटे कंसर्ट्स होते हैं। और ये थिएटर स्टाइल सिटिंग है यहाँ पे। इसके साथ हैं दो रूम। मुझे ऐसा बताया है कि लोग यहाँ पे सोशलाइज करते थे कॉन्फ्रेंस से पहले या कोई भी कंसर्ट से पहले यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। और एक रूम और है, शायद इसको ग्रीन रूम की तरह यूज किया जाता होगा। यहाँ का लोगो फिनिच यानी कि फिनिक्स, तो इस छोटे से कंसर्ट हॉल के पास में ही कॉफ़ी शॉप भी है, तो आप कॉफ़ी पे भी चर्चा कर सकते हैं, यहाँ से कॉफ़ी पी सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर बनाया गया है कॉफ़ी शॉप भी, और यहाँ से सीधा आप जा सकते हैं कॉफ़ी पी के हॉल के अंदर। आपके लिए एक बोनस टिप, आप वेनिस सिटी को अवश्य पैदल एक्सप्लोर करें। आपको बेहद सुंदर आर्किटेक्चर, ब्रिजेस, मार्केट्स और एलिस देखने को मिलेंगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हाफ डे वेनिस को फीट पर जरूर एक्सप्लोर करें। कैसा लगा मेरा ये 10 बेस्ट प्लेसेस टू सी एंड डू इन वेनिस का ये ब्लॉग, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल KD बजाज फिल्म को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद।